नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा की मैथमेटिक्स का पेपर लेके आए हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है। तो कक्षा 9 का पेपर लेके आए हैं अपन गणित विषय का। आज आप उसको हल करेंगे, देखेंगे पूरे प्रश्नों के उत्तर, सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला दिया गया -4 और 4, तो इसका क्या आंसर होगा? चतुर्थांश क्या होगा इसका? द्वितीय। क्या होगा आंसर? द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक दिया गया है, इसकी घात बताना है। तो इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात क्या होगी पहले वाली की? घात पूछी गई तो 7। क्या होगी? 7। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने के पटाने की प्रायिकता कितनी बताई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, 1/2 होगी। क्या होगी? 1/2। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेखिक। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0, 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत सा है, 9 घात है, 1/2। इसका आंसर क्या होगा? 3। क्या होगा इसका आंसर जो दिया गया है? इसका आंसर होगा 3। ऑप्शन दिए गए 2, 3, तो आंसर क्या होगा? 3। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, किलोमीटर बराबर मीटर होता है, तो कितने के बराबर होगा वो? 0, 190 के। अगला क्वेश्चन है, 2/2/2 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर कितना होगा? 3। 1/2/1/2 इसका आंसर क्या होगा? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5/6 इसका आंसर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, निम्नलिखित में से सत्य असत्य का चुनाव करना है। किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच 0 और 1 सम्मिलित होती है। ये बात बिल्कुल सही है। पहली बात क्या है? सही है। दूसरा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उसका आधार गुणा शीर्ष लंब, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेरक का मान नहीं होता, ये भी गलत है आपका। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 दिया गया, बिल्कुल गलत है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बिल्कुल 360 होता है, ये आंसर क्या होगा आपका? सही। तो पहला और लास्ट सही है, बाकी तीनों गलत हैं आपके। देख सकते हो पूरे आंसर आप गलत दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रत्येक शब्द का वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो एक सिक्के को छालने पर चिताने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी इसकी? 1/2। क्या होगी प्रायिकता? 1/2। अगला है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो क्या होगा? 3। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? aq। क्या होगा इसका? a^3, ये क्यों होगा? किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? तो इसके कितने हो सकते हैं? अधिकतम 1 कोण ही इसमें बनेगा, तो आंसर क्या रहेगा? 1। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 होता है, 180 अंश। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, सही जोड़ी का मिलन करना है, -5 × -4 क्या होगा आंसर? जोड़ी का मिलन करना है, तो पहला क्या होगा इसका आंसर? 20। क्या होगा इसका आंसर? 20 होगा। सही जोड़ी का मिलन कर रहे हैं अपन, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 20 होगा। 3/4 इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब भाग दोगे अपन तो 0.75 होगा आंसर। क्या होगा? 0.75। -6 + 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 15 होगा। 40% का क्या होगा? ये दिया गया 40/100, 1/4 + 1/4 क्या बचा इसका? तो जी बचा आपका 0.5। ये आपके आंसर रहे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है
और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाना है जिससे कोई बच्चा वंचित ना हो पाए।